हाँ, तो हम लोग लास्ट सेशन में जो हमारा छूट गया था चिल्ड्रन, उसको करते हैं कंटिन्यू, है ना। लास्ट सेशन में हम लोग कर रहे थे अनटाइटल्ड, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रोग्राम सेव, हम लोग कर रहे थे कैलकुलेटर, हमने बना रहे थे हम लोग फोर्थ फिफ्थ पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट में कैलकुलेटर को हम लोग सेव करी। देखिए वहीं से वीडियो मैंने शुरू किया है, कैलकुलेटर डॉट फोर फंक्शन कैलकुलेटर हमने बनाया था, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ये हमारा सेव है। तो इस प्रोग्राम में फोर फंक्शन कैलकुलेटर है, N1 N2 फ्लॉड वैल्यूज़ को इनपुट कराए हम लोग, फिर ऑपरेटर इनपुट कराएँ, इफ़ कंडीशन, मल्टीपल इफ, नेस्टेड एलिफ कंडीशन हम लोग यूज़ किए हैं, और एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। यहाँ पर इनपुट N1 और N2 हम लोग को करवाना होगा, फिर ऑपरेटर। चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, अगर साथ में दोनों दिख जाए तो बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक मिनट चलिए, साथ में चाह रहा हूँ दोनों को दिखाना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो। एक मिनट, रन किया हमने प्रोग्राम ये इस तरह से, ये इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है N1 को इनपुट कराने, N1 हमने किया 45.78, इंटर कर दिए। फिर N2 इनपुट करने बोला, फ्लॉट में ही करते हैं, 76.9 कर दिए। अब ये N1 N2 आने के बाद हमें ऑपरेटर इनपुट करने बोलेगा, तो हम यहाँ पे ऑपरेटर लेते हैं, प्लस लेते हैं दोनों का जोड़। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, ये रिजल्ट क्या करेगा, N1 और N2 को जोड़ देगा। बताइए विदाउट लेट हम लोग इंटर करते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट। सिमिलरली आप फिर से इसको रन करना चाहते हैं अगेन से, तो फिर से रन कर सकते हैं, फिर से रन मॉड्यूल में जाइए, इसका साइज को हम छोटा कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको दिखे, ठीक है। प्रोग्राम N1 का वैल्यू हम रखते हैं 6, N2 का वैल्यू रखते हैं 7, इंटर, ऑपरेटर लेते हैं हम लोग इस बार डिवाइड, ठीक है। इंटर करते हैं, देखिए 0.85, तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, प्रोग्राम को आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं, क्लास 12 स्टूडेंट, कॉपी करके यहाँ पे आप आइए और आउटपुट को मल्टीपल लाइन कमेंट्स में इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल फोर फंक्शन कैलकुलेटर हमें बनाना सीखा। नेक्स्ट आप लोग और भी इफ का स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे जो हम लोग को कंटेंट पढ़ना है, दैट इज़ आइट्रेशन और लूपिंग पढ़ना है ना, रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स। एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप से हम लोग करते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनको पढ़ने से पहले हम लोग को एक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रेंज फंक्शन, ठीक है। रेंज फंक्शन रेंज फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन बना बनाया हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बना हुआ गैडर वैन रसन ने बना दिया है, एंड इज़ यूज टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग ए सिक्वेंस ऑफ नंबर। आप चाहे तो इसका डेफिनेशन लिखें, एंड इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट हम लोग बनाते हैं, कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्ट एंड एंडिंग वन लेस, एक कम आएगा ना, तो लेस देन द स्टॉप, द स्टॉप, ठीक है। इसको कैसे, इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं आप लोग लिखिए कॉपी में। सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं रेंज, हम लोग लिखते हैं स्टार्ट वैल्यू कॉमा स्टॉप वैल्यू कॉमा स्टेप, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। अगर हम लोग लिखते हैं सपोज रेंज
10, क्या लिखते हैं हम लोग रेंज 10 अगर लिखते हैं तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा, अगर हम लोग रेंज 10 लिखते हैं तो इसका आउटपुट आएगा 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, ठीक है। एक कम वैल्यू होता है, एक माइनस वन रहता है, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं रेंज और हम लोग लिखते हैं या रेंज का आर हमेशा स्टूडेंट छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा आपको, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं रेंज 17 तो इसका हम लोग क्या आउटपुट आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। चलिए एक छोटा छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें आइए हम लोग पाइथन के स्क्रिप्ट में आते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं रेंज फंक्शन से रिलेटेड, फाइल में गए, न्यू में गए, फॉर लूप व्हाइल लूप आइटरेशन पढ़ने के लिए हमको रेंज फंक्शन जानना है, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं रेंज फंक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, ये देखिए यहाँ पे रेंज फॉर लूप के साथ आया, आई एक वेरिएबल है और यहाँ लिखते हैं सपोज हम लोग 10। यहाँ भी इंडेंटेशन का यूज़ होता है, यहाँ इंडेंटेशन लगाएंगे, चार स्पेसेस आ गया। और अब हम करते हैं प्रिंट आई इंटू 10, आई को कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं या सिर्फ आई को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कीजिए, इस प्रोग्राम को सेव कर लिए हम लोग। प्रोग्राम किसका है, ये रेंज का है, तो हम रेंज डॉट पी वाई कर देते हैं डेस्कटॉप पे ही, इसको रन कीजिए। देखिए 0 से लेकर 9 आ गया, प्रिंट होकर आया है, यू कैन सी द आउटपुट, ये आउटपुट का आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। रेंज फंक्शन क्या किया आपका 0 से लेकर 9 तक, अगर हम इसी को कर देते हैं अभी जैसे मैंने क्वेश्चन किया 17, तो देखिए आउटपुट में क्या चलिए आउटपुट में देखते हैं 0 से लेकर 16 तक एक कम आएगा, है ना। जो भी आउटपुट आएगा उससे एक कम आएगा। अभी सपोज इसी को हम चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 से लेके 9 तक, तो कोई बताए कमेंट में क्या आएगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आएगा आउटपुट। ये देखिए 2 से लेके 8 तक आएगा, एक कम आया 2 से लेके 8 तक आया। सिमिलरली इसको चेंज करते हैं, सपोज हम लोग इसको कर देते हैं 12 हम लोग करेंगे या फिर हम इसको कर देते हैं 10, तब आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू को स्टार्ट वैल्यू को कर देते हैं 6, तो क्या आएगा 6, 7, 8, 9, 4 आना चाहिए, देखिए आएगा 4, 6, 7, 8 और 9 तक आएगा, देखिए 6, 7, 8, 9 आउटपुट में आ रहा है आपके पास। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं रेंज फंक्शन को। अब स्टेप वाला हम लोग देखते हैं, स्टेप वाला हम लोग कैसे देखेंगे, तो स्टेप वाला में क्या करेंगे, जैसे हम लोग को स्टेप चाहिए तो हम लोग लिखते हैं 1 से लेकर के 10 तक और स्टेप ले लेते हैं 2, तो 1 के बाद 1 प्रिंट करेगा, 2 को छोड़ेगा 3 करेगा, 3 को छोड़ेगा 4 करेगा, एक एक स्किप कर देगा स्टेप। देखिए इसको रन करके देखिए, ये देखिए 1 किया, 3 किया, 5 फिर 7 फिर 9, इसको कॉपी करके हम लोग वहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं इसको कॉपी करके। अगर तो विल सी पहले किसने क्या किया, 1 किया फिर 2 छोड़ दिया, तो 1, 2 छोड़ा, 3 बार 4 छोड़े, 5, 5 बार 6 छोड़े 7, इस तरह से किया। अगर हम 3 लिखते हैं तो ये 2 छोड़ देगा, ये 3 लिखते हैं, तो हम लोग रन करके देखते हैं, 3 में क्या होगा, 1, 2, 3, 4 देखिए 1, 4 और 7 करेगा, क्यों 2 और 3 छोड़ा फिर 4 का 5, 6 छोड़ा 7, ये आउटपुट आया आपका। इसको 4 तो आप यहाँ ले जाएंगे, यहाँ दिखा सकते हैं आउटपुट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेंज फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन, थैंक यू।